नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला हॉकी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इसमें उत्तर क्षेत्र की 18 यूनिवर्सिटी भाग ले रही हैं। सभी महिला खिलाड़ी हैं, इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से महिला खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखाने आई हैं। उत्तर क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी से महिला हॉकी खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। सांसद नायब सिंह सैनी ने मार्च पास दे रही हॉकी खिलाड़ियों को सैल्यूट किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह और सांसद नायब सिंह सैनी और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने हरियाणा में खेल प्रेम को लेकर दिल खोलकर तारीफ की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बनने वाले हॉकी ग्राउंड का शिलान्यास किया और कहा कि हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए हरियाणा प्रदेश का एकमात्र साइकिलिंग के खिलाड़ियों के लिए वेलोड्रोम विश्वविद्यालय में बनकर तैयार होगा। इसका जल्द शिलान्यास किया जाएगा। नए साल पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रदेश के खिलाड़ियों को वेलोड्रोम ग्राउंड मिलेगा। हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में अपना नाम चमकाया है। खेलों के हरियाणा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फरवरी में खेलो इंडिया हरियाणा में होने जा रहा है। एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड और साइकिलिंग के खिलाड़ियों के लिए वेलोड्रोम ग्राउंड को लेकर विधानसभा में कई बार मुद्दा भी उठा था और हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने इसको लेकर भी कई बार अपनी समस्याएं भी बताई थी। हमारे बीच में खिलाड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अल्मोड़ा से हमारी होनहार बेटियां देश का नाम रोशन करने के लिए सलामी देते हुए मंच पर हमारे बीच में शिमला से आए खिलाड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कर मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय को सलामी देते हुए कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता विकास ओल्यान की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।